हेलो दोस्तों, नमस्कार, सलाम वालेकुम। आप लोगों को मालूम होगा कि मैं हर फॉरवर्ड एजेंट के खिलाफ में वीडियो बनाता रहता हूं और लोगों को समझाता रहता हूं एजेंट और ऑफिस वाले कैसे लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं विदेश भेजने के नाम पे। लेकिन इस वीडियो में हम लोग किसी एजेंट या ऑफिस वाले के बारे में बात नहीं करेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम आप लोग को जो आप लोग कॉमेंट किए हो उसका रिप्लाई देने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से भाई लोग कॉमेंट किए हैं, भाई क्या आप लखनऊ में कोई ऑफिस वाले बता सकते हो जो अच्छा से काम करता हो। बहुत से भाई लोग कॉमेंट किए हैं, भाई मेरा गोरखपुर ये ऑफिस वाला ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, मेरा पैसा वापस नहीं दे रहा है। बहुत से भाई लोग बोल रहे हैं भाई मेरा वीजा आया कि नहीं आया, इसी में रिप्लाई का मैं जवाब देने वाला हूं दोस्तों। अगर आपका भी कोई सवाल हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके मेरे से पर्सनल भी आप बात कर सकते हो दोस्तों। और मैं आप लोग बता दूँ, कोई भी एजेंट या ऑफिस वाला अगर आपके साथ फ्रॉड किया है तो आप एक छोटा सा वीडियो बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो कि कम से कम मैं लोगों को सावधान कर सकूं कि कम से कम आपके साथ फ्रॉड हो गया है, आने वाला वक्त में किसी और भाई के साथ वो फ्रॉड ना कर पाए। और बहुत से भाई लोग का गोरखपुर में पैसा फंसा हुआ है, उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में मैं बात करूंगा दोस्तों, ठीक है। ये पहला कमेंट आप लोग देख सकते हो दोस्तों, ये भाई पूछ रहे हैं भाई डॉक्टर कंपनी दुबई का वीजा कब तक आएगा। और इस भाई को मैं रिप्लाई भी दिया हूँ और यहाँ भी मैं बोलने वाला हूँ, भाई आप किस ऑफिस में काम लगाए हो और किसके माध्यम से आप वहाँ पे गए हो। अगर आप मेरे माध्यम से गए होंगे तो मैं उस ऑफिस वाले से पूरा डायरेक्ट में उनसे बात करके पूछ सकता हूँ भाई इस भाई का वीजा आया कि नहीं आया। अगर आप मेरे माध्यम से नहीं गए हो तो आप उस ऑफिस वाले से पूछिए भाई मेरा वीजा आया कि नहीं आया। इसके लिए मैं बोलता हूँ, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें आप लोग को बोलता हूँ, भाई आप लोग किसी भी ऑफिस पे जा रहे हो तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स मेरे पास भेज दीजिए कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो मैं कम से कम उस ऑफिस वाले से बात कर सकता। लेकिन आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं भेजते हो, ऐसे जाके आप लोग इंटरव्यू देते हो, फिर आप लोग का वीजा नहीं आता है तो आप लोग मेरे को बोलते हैं भाई ये वीजा आया कि नहीं आया। तो भाई कम से कम आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और बोलिए भाई मैं इस ऑफिस में आपका वीडियो देख के इंटरव्यू मारा था, वहां पे मेरा वीजा आया कि नहीं आया। तो मैं आप लोग बता दूं, मैं उससे कम से कम पूछ के आपको व्हाट्सएप पर मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा भाई, ठीक है। और मैं आप लोग बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी वैकेंसी का वीडियो बनाता हूं तो कम से कम आप मेरे से पूछ कर ही उस ऑफिस पे जाके आप लोग इंटरव्यू मारिए और मेरा नाम वहां पे आप लोग बताइए। आपको नाम बताने से ये फायदा होगा दोस्तों, मैं आप लोग को एक घटना बताता हूं। तीन चार दिन हुआ मैं एक वीडियो बनाया था, उस वैकेंसी में सैलरी जो था वो 1600 रियाल था, लेकिन मैं दो भाई को वहां भेजा था उस ऑफिस पे और मैं उनसे बोला था भाई मेरा नाम वहां पे आप बता देना, आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो भाई लोग मेरा उस ऑफिस वाले से नाम बताए और वो ऑफिस वाले बोले भाई 1600 रियाल नहीं मिलेगा, जो सच्चाई है वो 1200 रियाल आपको मिलेगा। वो भाई लोग फिर मेरे पास कॉल किए, मैं उनसे बोला ठीक है भाई 1200 में जाना है तो जाइए, नहीं जाना है तो आप लोग घर चले जाइए, मैं किसी और ऑफिस में आपका काम करा दूंगा। वो लोग घर चले गए और दो दिन के बाद उनका काम किसी और ऑफिस में मैं लगा दिया हूं दोस्तों। अगर वो लोग मेरा नाम नहीं बताए होते तो उन लोग को यहाँ पे 1600 बोल के उनका इंटरव्यू हो जाता, फिर वो लोग बाहर आते विदेश आते तो उनको 1200 मिलता, तो वो लोग बोलते भाई मेरे साथ ये ऑफिस वाला फ्रॉड किया है। तो मैं आप लोग बता दूं दोस्तों, अगर आप लोग मेरा नाम किसी भी ऑफिस पे लेते हो तो मैं 100 में से 90% गारंटी देता हूँ कि आप लोग के साथ फ्रॉड नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा भाई कमेंट किए, भाई लखनऊ में ऑफिस है, अच्छा। तो मैं भाई मैं इनको बता दूं, भाई अभी तक लखनऊ में कोई भी ऑफिस वाला मैं नहीं आपको बता सकता जो अच्छा काम करता हो, अच्छा काम करते होंगे लेकिन मेरे नजर में कोई ऑफिस वाला अभी तक लखनऊ में नहीं लगा है कि जो अच्छा काम करता हो, ठीक है। फिर भी आपको किसी ऑफिस पे जाकर काम कराना है तो उसके बारे में आप पूरा सावधानी से पूछताछ कर लीजिए, फिर आप जाके लखनऊ में आप काम करा सकते हो भाई, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं भी लखनऊ से आया हूं और मेरे साथ भी वो लोग फ्रॉड किए हैं और ये फ्रॉड होने की वजह से मैं हर फ्रॉड ऑफिस के खिलाफ में वीडियो बनाता हूँ भाई, ठीक है। सुभाष शर्मा कमेंट किए हैं, भाई जी मेरा भी 1,10,000 लिया है, मैं क्या करूँ, विजेंद्र सिंह चोर है, सच में 7 महीने से परेशान किया है। तो मैं भाई आपको बता दूं आपका क्या प्रॉब्लम है, वो पैसा आपका लिए हैं तो आप उनसे पूछिए भाई मेरा वीजा क्यों नहीं आ रहा है और मेरा काम क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आपको काम नहीं करना है तो मेरा पैसा आप वापस दे दीजिए, मैं किसी और ऑफिस पे लगा के मैं चला जाता हूँ, या क्या प्रॉब्लम है उनसे आप डायरेक्ट पूछ लीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं भाई कि कोई भी ऑफिस वाला ये नहीं सोचता है कि मेरे ऑफिस पे किसी भाई का काम ना हो या मेरे ऑफिस का नाम खराब हो,
क्योंकि ये लोग भी किसी ऑफिस से वीजा लेते हैं दिल्ली बंबई से, और वहां पे किसी कारण आपका पैसा पासपोर्ट फंस जाता है तो ये लोग बदनाम होते हैं। ठीक है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डिटेल में वीडियो बना के भेजिए, मैं वीडियो तो नहीं बनाऊंगा उनके खिलाफ, लेकिन मैं उनसे पूछूंगा भाई इस भाई का क्यों नहीं पैसा आप दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम है। मैं उनसे बात करके मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि आपका पैसा वो क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, मैं उनके खिलाफ और वीडियो नहीं बना सकता क्योंकि मैं उनके खिलाफ दो चार वीडियो बनाया हूँ, वही बहुत काफी है। ठीक है, मैं किसी भी ऑफिस वाले के खिलाफ दो से चार से वीडियो में ज्यादा नहीं बना सकता हूँ दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप लोग समझदार हो, मैं एक ही ऑफिस के खिलाफ में ज्यादा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, और वीडियो बनाने से भी कोई फायदा नहीं है कि कम से कम क्या सच्चाई है मैं उस ऑफिस वाले से पूछ लेता हूँ तभी मैं वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। ठीक है, और एक भाई कमेंट किए हैं, ये आप लोग देख सकते हो, इनका भी डायसन इंटरप्राइज में जो ऑफिस है यहाँ पे उनका 40,000 रुपया फंसा हुआ है और 14 महीना हो गया है, और ये 7,000 रुपया का मेडिकल भी कराए हैं, लेकिन अभी तक इनका 14 महीना के बावजूद भी ना इनका वीजा आया, ना इनका काम हुआ, ना इनका पैसा वो ऑफिस वाला वापस कर रहा है दोस्तों। इसके लिए बोलता हूँ कि आप लोग किसी भी ऑफिस पे जा रहे हो तो आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए कि कम से कम उस ऑफिस वाले के बारे में किसी और भाई से पूछ लीजिए, फिर आप लोग उसके ऑफिस पे जाके आप लोग काम कराइए। आप लोग क्या सोचते हो कि कोई किसी ऑफिस वाले का वीडियो देख लेते हो, उसमें सैलरी ज्यादा मिलता है, सर्विस चार्ज कम रहता है, आप लोग जल्दबाजी में जाके वहां पे इंटरव्यू मार देते हो और मेडिकल करा लेते हो, और ये सोचते हो कि हम गल्फ चले जाएंगे या यूरोप चले जाएंगे, मेरे घर का स्थिति सुधर जाएगा, तो ये आप लोग गलती करते हैं दोस्तों। जैसे आप लोग इतना दिन बर्दाश्त किए, इतना दिन इंतजार किए, वैसे आप लोग दो चार दिन और टाइम निकाल के उसके बारे में किसी और भाई से जानकारी लेकर ही उसके ऑफिस पे जाके आप लोग काम कराइए। ठीक है, और मैं इस ऑफिस वाले के बारे में दो चार वीडियो बना चुका हूँ बहुत पहले, जो चार भाई लोग के साथ मिलके 20 लाख रुपया का फ्रॉड किया था, और वो मैं वीडियो बनाया था और वो मेरा वीडियो यूट्यूब से डिलीट करवा दिया था, उसके बाद भी मैं दो चार वीडियो बनाया हूँ दोस्तों। और मैं आप लोग बता दूं, मेरे चैनल का थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए कि आने वाला वक्त में कोई भी एजेंट या ऑफिस वाला किसी भाई के साथ फ्रॉड ना कर पाए दोस्तों। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। ठगी की वारदात अक्सर देखने सुनने को मिलती रहती है। ताजा मामला मधुवापुर प्रखंड के करहुआ घाट गांव का है, जहां के 7 युवकों से विदेश भेजने के नाम पर ठगी कर ली गई है। पीड़ितों में इस गांव के चंदे सहनी के पुत्र शंकर सहनी, बिल्टू सहनी के पुत्र सुनील कुमार सहनी, विशेश्वर सहनी के पुत्र दिलीप सहनी, चंदेश्वर सहनी के पुत्र जितेंद्र सहनी, किशोरी सहनी के पुत्र संजीत सहनी, राजेंद्र पासवान के पुत्र मोहन पासवान व डोमू कामती के पुत्र बबलू कामती सहित कुल 7 युवक शामिल हैं। पीड़ितों ने बताया कि प्रखंड के केरवा गांव में जेएमडी इंटरप्राइजेस टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस इसी गांव के सुनील यादव के मकान में संचालित था। कंपनी के द्वारा वाहन से विदेश भेजने का प्रचार प्रसार करवाया गया था, जिसके बाद इन लोगों ने कंपनी वालों से संपर्क किया तो सभी से विदेश भेजने के नाम पर 1 लाख रुपए लिए गए, जिसमें आधा पैसा यहीं ले लिया गया, वहीं आधा पैसा दिल्ली बुलाकर पेमेंट करने को कहा गया। इन लोगों ने आधा पैसा दे दिया और जब शेष पेमेंट करने दिल्ली पहुंचे तो